हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं छत पे पानी पानी भीगी हुई है छत। और आपको मैं आज नए दो न्यू मेहमान से मिलाना चाहता हूँ जो लेके आए हम। चलो दिखाते हैं हमारे घर के दो न्यू मेहमान जो चल रहे हैं कबूतर, इन्हें लेके आए। और हमारे पास एक पहले का भी था तो वो अभी छत पे बैठा हुआ है और ऊपर, और ये आप देख रहे हैं ये पकड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं तो ये भाग रहे हैं, जबकि इनके पंख उखाड़ दिए हैं क्योंकि ये उड़े ना, ये न्यू हैं इसलिए ये उड़ सकते हैं। अभी इनको मैं पकड़ने के लिए जा रहा हूँ तो ये आगे आगे भागते जा रहे हैं और ये पकड़ने में नहीं आ रहे, तो इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। एक मैंने पकड़ लिया है और ये फड़फड़ आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये छूटने की कोशिश कर रहा है देखो। पर ये हैं बहुत प्यारे, कितना अच्छा लग रहा है आप देख रहे हो, प्यारा सा कबूतर। कल ही लेके आए हम इनको, एक को नहीं पकड़ सका मैं, एक को ही पकड़ा है मैंने और मैं इसको छोड़ता हूँ। हम पहले भी लेके आए थे तो हमारे तीन कबूतर रात को उड़ गए थे, वो तो हमारे पास पहले में से एक बचा है, वो अभी छत पे बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं जाऊँगा पास में तो वो उड़ जाएगा, तो मैं दूर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो उड़ भी गया है और जब आएगा तब दिखाऊँगा मैं आपको, अभी उड़ रहा है वो तो अभी मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो उड़ने वक्त दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि वो साफ़ नहीं दिखेगा। लकड़ी देख रहे हैं ये इनका घर बनाने के लिए, और मैं इनको गेहूँ लेके आया हूँ गेहूँ डालने के लिए ये खा सकें। देखो कितनी जल्दी से आए खाने के लिए, इनको भी ये बोल नहीं सकते कि इनको भूख है क्या है क्या नहीं है, तो इनका टाइम टाइम से ख्याल रखा जाता है। एक देख रहा है और एक खा रहा है, और देखो वो भी हट गया। मैं ये डर रहे हैं खाने से तो मैं अभी हट जाता हूँ और इनको खाने देता हूँ, दूर से मैं शूट करूँगा। देखो मैं पीछे हट गया तो वो कितनी जल्दी से, देखो कूद के लकड़ी के ऊपर बैठ गया, वो फिर शुरू हो गए खाने के लिए। देखो एक दो बार खाया और फिर हट जाते हैं, और ये यहाँ पे बाजरा भी पड़ा हुआ तो बाजरा भी खा रहे हैं, और इनको गेहूँ मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, तो इनके लिए बाजरा या चावल ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा खाने के लिए, तो मैं बाजरा लेके अभी डालता हूँ इनको। ये देखो वो भी आ चुका है सफ़ेद वाला वाइट, अब ये तीनों एक साथ हो गए, लेकिन थोड़ा इन दोनों में उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो भी एक जोड़े से आए थे तो उसका जो जोड़े का कबूतर था वो उड़ गया था, और ये थोड़े अलग है तो वो थोड़ा दूर दूर रह रहा है उनसे। ये देखो कबूतरों को बैठा दिया है उनके घर में और हो चुकी है रात, और ऋषभ खा रहा है खाना दाल प्याज रोटी और लगा पड़ा है दोनों हाथों से स्वीटी। क्या खा रहा है? रोटी। किससे? प्याज से। किसकी दाल है? मूंग की दाल से खा रहा है, क्या बात है। अच्छा ऋषभ पिटाई क्यों होती है अभी? बता ना क्यों हुई थी? अभी ऋषभ की थोड़ी देर पहले हुई थी पिटाई, ऋषभ हो रहा था। अभी हम हैं छत पे, तो छत पे थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि रात हो चुकी है। रात हो चुकी है। ऋषभ अपने खाने मस्त है और इसको हो रही है सर्दी, और देखो प्याज खाना रख के क्या बात है। ऋषभ देखो कितना बड़ा गिलास और पानी पी रहा ठंडा, जबकि इसको सर्दी हो रखी है और खांसी भी लगा पड़ा है। ये देखो खाना खाने के बाद फिर रूदम में लग गया है, और इसकी इसी वजह से पिटाई होती है, पड़ता नहीं है। बता जल्दी बता क्यों पिटाई थी ऋषभ, पता ना? बस ये शैतानी है इसके अंदर। हमने भी खा लिया खाना पीना,
वीडियो करता हूँ एंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।